नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी आंद्रे बामसी और नगर आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान इलाई चौराहे पर लगी जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को बीते दिनों खंडित किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कांग्रेस का कोई आंदोलन करे, इस मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसको लेकर जिला प्रशासन और कांग्रेस के बीच क्या वार्ता हुई, प्रदीप जैन आदित्य ने हमें बताया। आज नेहरू जी को लेकर क्या आश्वासन डीएम साहब? एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था किसान आंदोलन वाला। जिस आंदोलन वाले दिन एक दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तोड़ दी गई। हमने जिला प्रशासन से कहा, नगर आयुक्त से कहा कि ये नहीं बनना चाहिए और उन्होंने कहा है कि हम एक महीने के अंदर इसको फिर से नई प्रतिमा स्थापित कराएंगे और जो अपराधी हैं, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो फुटेज देख के उन अपराधियों को भी गिरफ्तार कराएंगे। हमारे जो आमरण अनशन करने जा रहे कांग्रेस के लोग हैं, उन्हें हम लोगों ने समझाया है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब फिर से वो प्रतिमा नई स्थापित हो। कितने दिन में आ जाएगी मंत्री? एक महीने के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मंशा है, नगर आयुक्त ने कहा है और जिला अधिकारी जी के सामने कहा है कि हम इसको एक महीने के अंदर लगवा दें।